अगर आप देखें ये वेफर है, ये वाला एक वेफर है। इस वेफर में बारीकी से नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब आप आंख से नहीं देख पाएंगे इसको, अगर नाखून की नोक अगर हम लें उसका 1 करोड़वा बारीकी से, 1 करोड़ टाइम्स बारीक, इतना बारीक, इतना छोटा इसके अंदर चिप्स होती हैं। इस वेफर के अंदर 20,000 से ज़्यादा चिप्स हैं, 20,000 से ज़्यादा चिप्स हैं। इतना सा वेफर दिखता है ये, लेकिन इसके अंदर 20,000 से ज़्यादा चिप्स हैं। इनको, इस वेफर को फिनिश करना, वेफर को फिनिश करके इसके अंदर जो बिल्कुल नैनोमीटर्स के चिप्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करके उनको फिर चिप बनाना, इसको, ये जो चिप बनी है ये चिप मैन्युफैक्चर करना। इस चिप को अगर आप देखो, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी आप समझो, इस चिप की, इस चिप के अंदर जो कॉम्प्लेक्स चिप्स होती है उसमें कई कई किलोमीटर की वायरिंग होती है। देर आर चिप्स इन विच 80 किलोमीटर की वायरिंग तक होती है, 100 किलोमीटर तक की वायरिंग होती है। आप सोचो इतनी सी चिप है, क्या साइज आप देख रहे हो इसकी, लेकिन इसके अंदर कई किलोमीटर की वायरिंग होती है। इतनी बारीकी से जो चिप बनती है नैनोमीटर्स में, वो चिप को ये बॉडी बनाई जाती है इसकी। इसमें पावर सप्लाई, चिप की स्ट्रेंथ और चिप का एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ किस तरह से कनेक्शन होगा, सर्किट कैसा बनेगा, वो इसमें आप देखोगे इस तरह से बनता है। इस चिप को फिर मॉड्यूल में डालते हैं, ये मॉड्यूल आपके फोन में जाता है, आपके कंप्यूटर लैपटॉप में जाता है, आपके पास जो कैमरा है इसमें आता है, जिस टीवी पे आप देख रहे हैं उस टीवी की स्क्रीन में इस तरह के मॉड्यूल्स लगते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी। और साथियों जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको ये भी जानकारी रहनी चाहिए कि देश ने 40 वर्षों तक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने का प्रयास किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट 1980s में हुए थे, फिर 90s में हुए अटेम्प्ट, फिर 2000s में अटेम्प्ट हुए। 40 वर्षों तक अटेम्प्ट करने के बाद में पहली बार एक बड़ा मेजर सेमीकंडक्टर प्लेयर हिंदुस्तान में आ रहा है। इट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग। माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इज अमंग द लीडिंग कंपनीज इन द वर्ल्ड, दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर कंपनीज में से माइक्रॉन की गिनती होती है। एज पर गार्टनर रिसर्च, माइक्रॉन इज द 5th लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होता है, 250 के आसपास टोटल डिफरेंट केमिकल्स और गैसेस होते हैं, 250 के आसपास। जब पहला यूनिट लगेगा, पहले यूनिट के लगने से वो सारा का सारा इकोसिस्टम हिंदुस्तान में बनता है। किस तरह से केमिकल्स का स्टोरेज होगा, कैसे उनका यूज होगा, किस तरह से उनकी अल्ट्रा प्योर ट्रीटमेंट करना होता है, किस तरह से उनको उपयोग में लाया जाएगा, किस तरह से गैसेस को स्टोर किया जाता है, वो सारा का सारा, किस तरह से जस्ट इन टाइम लॉजिस्टिक्स मेंटेन करनी पड़ती है, वो सारा का सारा इकोसिस्टम देश में आएगा। इसकी इंपॉर्टेंस आप समझिए, इसकी सेमीकंडक्टर की इंपॉर्टेंस अगर हम समझें तो आज दुनिया की फाउंडेशनल इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर। जो लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन आज ये दुनिया की फाउंडेशनल इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री है, अगर स्टील इंडस्ट्री है तो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री को उसका जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए वो मिलता है। जैसे केमिकल इंडस्ट्री है वो फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, कि केमिकल इंडस्ट्री अगर देश में है तो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को उसका उपयोग मिलता है। वैसे ही सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आज एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, जिससे आज कुछ भी आप मैन्युफैक्चर करना चाहें, चाहे ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आप, चाहे ये लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, चाहे डिफेंस का इक्विपमेंट बना रहे हो, आपका जो कैमरा हाथ में है, वो हर एक चीज में सेमीकंडक्टर आज लगता है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.